सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया कॉलेज का रिव्यू, जो कि है बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज है हमारा राजस्थान पिलानी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे कॉलेज की एक एक डिटेल कवर करने वाले हैं, क्या प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, कैंपस कैसा है, हॉस्टल, मेस, एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, आपके सारे डाउट सारी क्वेरीज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही कैंपस टूर भी हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बाहर से इसका कैंपस देखने में कुछ ऐसा है, अगर सही मामले में देखा जाए तो बाहर से इसका कैंपस बहुत ही वेल मेंटेन, बहुत अच्छा सा बना रखा है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन आप देखने देंगे तो 100% आपको अच्छा लगेगा ये बाहर से, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो उतना अप टू डेट इसका कैंपस नहीं है। जैसे कि अगर आप सोचें कि आपको एसी क्लासरूम्स मिलेंगे तो वो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। एसी क्लासरूम्स नहीं है, नॉर्मल फैन वाले क्लासरूम्स हैं। और जो लैब्स हैं वो इतनी वेल इक्विप्ड तो नहीं कहेंगे, लैब्स में भी एसी तो नहीं है। और जो पीसी कहेंगे वो भी थोड़े पुराने टाइप के ही मुझे लगे। वो कैंपस टूर, पूरा कंप्लीट कैंपस टूर है, लास्ट में दिखाऊंगी, पूरा देखना। अभी हम बात करते हैं इसकी एफिलिएशन की। तो ये बीके बिरला कॉलेज जो है हमारा AICTE से भी अप्रूव है, RTU राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अप्रूव है, और BTU बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अप्रूव है। इसका जो कैंपस साइज है वो है ऑलमोस्ट 17.5 एकर्स का। जो इसकी बीटेक की फीस है वो है अराउंड 85,000 to 80,000 पर ईयर अप्रोक्स है। करेक्ट राउंड फिगर में मैं बता रही हूँ, वो आप जब बात करेंगे तो वो आपको पूरा अमाउंट बता देंगे, ये मैं राउंड ऑफ करके बता रही हूँ। 80 to 85 इसकी पर ईयर की फीस है। और इसकी जो IIRF रैंकिंग है वो है 89 out of 173। NIRF रैंकिंग इसके पास नहीं है अभी तक, लेकिन IIRF रैंकिंग इसको मिली हुई है। जो कॉलेज, ये जो कॉलेज है एस्टेब्लिश हुआ है 2007 के अंदर, तो 16 इयर्स पुराना है ये कॉलेज। बात करें इसकी एक्रीडिएशन की तो NBA अप्रूव कॉलेज है CSE और इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने इसको ए कैटेगरी में रखा है, 2020 और 2021 के सेशन के अंदर इसको ए कैटेगरी मिली थी। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का वो है 45% जनरल के लिए, और अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी है तो 40%, और यही सेम क्राइटेरिया आपका लेटर एंट्री का भी होगा। तो 45% पे यहाँ पे एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आपको क्राउड उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा कि आप टॉपर्स आपको मिलेंगे या कुछ, तो नहीं, 40-45 में आराम से एडमिशन मिल जाता है। तो उसी हिसाब से इसका क्राउड आपको मिलने वाला है। तो आप कॉलेज की अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो मैंने विजिट किया था, स्पेशली मैं हरियाणा से राजस्थान गई थी, 250 किलोमीटर का रास्ता था, इतना उसका डिस्टेंस था। पर ऑनेस्ट रिव्यू अगर मैं बताऊं तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज जैसा ही बना रखा है, हालांकि है प्राइवेट, लेकिन इनके जो टीचर्स का बिहेवियर था वो मुझे गवर्नमेंट टीचर्स जैसा लगा कि आओ एडमिशन लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं, उनको कुछ बॉदर नहीं करा उन्होंने। इनफैक्ट जैसे जाते हैं एडमिशन के लिए तो वो अपना फॉर्म फिल करवाते, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते ताकि इन फ्यूचर वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, लेकिन इनको उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी कि उनको कॉन्टैक्ट डिटेल लेनी चाहिए या कुछ। तो उनका कुछ बिहेवियर इतना कुछ खास लगा नहीं कि वो अपने कॉलेज पे मेहनत करना चाह रहे हैं। जैसे कि इसका नाम है बीके बिरला, बिट्स भी बिरला का ही है, उसका इतना ज्यादा नाम है, लेकिन सेम नाम होने के बावजूद इस कॉलेज के टीचर्स, इसकी फैकल्टी इतना कुछ इस कॉलेज पे काम ही नहीं कर रहे कि इसको भी उस लेवल तक लेके जा सके। हालांकि इसमें अगर मेहनत करे तो इसका भी काफी नाम हो सकता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में या प्लेसमेंट्स में अगर वो काम करना चाहें। लेकिन जैसे हमने विजिट करा हमें ये फील हुआ कि अभी इसकी फैकल्टी उतना काम कर रही है या करना चाह रही है कि वो इस कॉलेज को आगे लेके जाए। उनका विजन इतना क्लियर नहीं लगा, वो इतने इंटरेस्टेड ही नहीं लगे, उनका बिहेवियर ऐसा ही लगा कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो वेल एंड गुड, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। 40-45% पे वो एडमिशन दे रहे हैं, तो आसपास का ही लोकल क्राउड मुझे ज्यादा दिखा राजस्थान का, और
सो ही मैं कहूंगी इस कॉलेज को। फीस भी इस कॉलेज की कुछ ज्यादा नहीं है, कम ही है जो नॉर्मल होती है, 1 लाख 1 लाख 20,000 के आसपास जो प्राइवेट कॉलेजेस की ज्यादातर फीस होती है, 1.5 1.7 तक भी होती है, लेकिन इसकी उससे कम है। अब इस कॉलेज के मुझे ये एक अच्छी चीज लगी थी कि इस कॉलेज का जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, 11 यूनिवर्सिटीज के साथ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ इसके कोलैबोरेशन है, और इन्होंने अभी तक 11 इयर्स के अंदर 243 स्टूडेंट्स को बाहर भेजा है इंटर्नशिप के लिए। ये इंटर्नशिप जो है 2 मंथ्स की होती है, और इसमें कुछ सिलेक्टेड बच्चों को हर साल बाहर भेजते हैं। इनका जो बच्चों का एकोमोडेशन का खर्चा होता है वो बच्चे खुद ही उठाते हैं। जैसे मैंने बात करी थी तो उन्होंने 1.5 लाख 2 मंथ्स के अराउंड का खर्चा बताया था, फ्लाइट्स और रहना वगैरह वो सारे बच्चे खुद करते हैं। बस कॉलेज वाले उनको यूनिवर्सिटी का बताते हैं कि आपको इधर जाना है उधर जाना है, तो बच्चे जो भी इंटरेस्टेड होते हैं वो फॉर्म फिल करते हैं, और जिन जिन का फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है वो बाहर जाते हैं। फिर ये मुझे एक प्लस पॉइंट लगा इस कॉलेज का। अगर आपको है कि आपको बाहर जाना है तो आप इसको, इस पॉइंट को अपने माइंड में जरूर रख सकते हैं। लेकिन बच्चे वही जा पाते हैं जिनका फॉर्म सामने से सिलेक्ट होता है, जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है, तो उसके लिए आपको अपना एकेडमिक जो है वो अच्छा रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स आपको अपनी अच्छी जीपीए मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अब है इसका हॉस्टल चार्जेस। तो इसके हॉस्टल चार्जेस जो है वो अराउंड है 70,000 पर ईयर के हिसाब से, मतलब 35,000 6 मंथ के आपको पड़ेंगे। लेकिन इसमें आपको कोई कूलर एसी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक फैन मिलेगा, एक बेड और अलमीरा, रूम के अंदर सिर्फ यही मिलेगा। और डबल सीटर का भी वही रूम है और सिंगल का भी वही रूम है, मतलब ये नहीं है कि डबल सीटर में आपको बड़ा रूम मिल जाएगा। अगर आप शेयर भी करोगे तो भी वही रूम है, अगर आप सिंगल रहोगे तो भी वही रूम है। डबल में बस आपको वो 2 बेड कर देंगे, और सिंगल है तो 1 बेड हटा देंगे, तो डबल और सिंगल में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। और अगर आपको कूलर लगाना है तो वो आपको खुद अपना लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको 9 रुपीज पर यूनिट वो आपसे चार्ज लेंगे। तो जो मेस है वो वहां के बच्चों ने मेस ओके बताई है कि हाँ खाने लायक है, पर मेस तो किसी भी कॉलेज की इतनी अच्छी कोई बताता नहीं है। ओके है, मतलब काम चलाओ, काम चल जाएगा आपका। अब है प्लेसमेंट, सबसे मेन टॉपिक कि इस कॉलेज के प्लेसमेंट का क्या हिसाब है। तो प्लेसमेंट पे यार सही बताऊं तो जो कॉलेज वाले क्लेम कर रहे हैं वो तो बता रहे हैं आपकी उनकी एवरेज है 6 से लेकर 7 लाख पर एनम की। लेकिन बच्चों से बात करने के बाद और थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे तो फील नहीं होता कि इतनी एवरेज उनकी है। और अगर कॉलेज दुनिया या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम सर्च करते हैं तो 6 to 7 इनकी एवरेज नहीं दिखा रहा, इनकी एवरेज 2.8 से 3.5 के बीच में ही दिखा रहा है। तो जो क्लेम कर रहे हैं उससे तो ऑलमोस्ट 50% तक इनका एवरेज दिखा रहा है। और हाईएस्ट पैकेज जो है जो अभी कॉलेज वाले क्लेम कर रहे हैं, अभी जब मैंने रिसेंटली विजिट करा तो उन्होंने मेरे को बताया कि 20 लाख का उनका अभी करंट इस ईयर का हाईएस्ट पैकेज चल रहा है। और यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर चेक करते हैं तो 22 LPA दिखा रहा है। बच्चों ने बोला कि कंपनीज तो यहाँ पे विजिट करती है, 150 के अराउंड कंपनीज आती है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी जो सीएससी के लिए प्रॉपर कोर सॉफ्टवेयर, मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनीज आती है वो 8 to 10 ही विजिट करती है, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज है। और बाकी जो बिरला की कंपनीज हैं वो विजिट करती है, सिक्योर मीटर्स यहाँ पे विजिट करती है। ये सारी कंपनीज जो हैं ये इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर दिखा रखी है कि प्लेसमेंट्स के लिए ये सारी कंपनी विजिट करती हैं, जिसमें सिक्योर मीटर्स बच्चे कहते हैं कि हाईएस्ट पैकेज ऑफर करती है, टाटा कंसल्टेंसी है, आदित्य बिरला है, इंफोसिस है, ये सारी कंपनीज जो है यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए आती है। बच्चों ने यह भी बताया कि 36 लाख का पैकेज कंपनी ने ऑफर किया था, लेकिन कोई भी बच्चा उनको सुटेबल इस जॉब प्रोफाइल के लिए नहीं लगा, तो वो पैकेज कोई भी स्टूडेंट वहां पे ग्रैब नहीं कर पाया। तो ये था प्लेसमेंट्स का। और प्लेसमेंट्स का अगर रिव्यू बच्चों ने क्या दिया वो बताऊं तो बच्चों ने तो बोला कि प्लेसमेंट्स इतना ज्यादा कुछ खास इस कॉलेज का नहीं है। और एकेडमिक्स का भी स्टूडेंट्स ने वहां के यही रिव्यू दिया कि टीचर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, इतने ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से अपना एकेडमिक्स देख लेंगे, खुद से पढ़ाई कर लेंगे,
तो आप इस कॉलेज में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि फैकल्टी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी प्लेसमेंट देंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं अगर आउट ऑफ 10 उसको रेट करूंगी तो 3.5 to 4 के बीच में मैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को रेट करूंगी। और प्लेसमेंट्स का अगर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स ले तो वो भी 4 to 5 के बीच में ही लाए करेगा। तो ये हमने बात कर ली डीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया होगा तो आप कमेंट्स में जरूर बताना। तो लास्ट में कंक्लूजन मेरा यही रहेगा कि जितना अच्छा इस कॉलेज का नाम है उस हिसाब से ये कॉलेज उतना स्टैंड आउट नहीं करता है। इस कॉलेज पे अगर इसकी फैकल्टी काम करे तो इस कॉलेज को काफी अच्छे लेवल पे लेके जाया जा सकता है, लेकिन अभी तो ये एक एवरेज कॉलेज में ही आएगा। सिर्फ नाम है इस कॉलेज का, उतना अच्छा ये स्टैंड आउट भीड़ में नहीं करता। कुछ अच्छे स्पेशल चीजें ये कॉलेज नहीं कर रहा जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप अपने एकेडमिक्स को, आपको पता है कि आप इतने फोकस्ड हैं, आप खुद पढ़ लेंगे, सब कुछ खुद से मैनेज कर लेंगे, प्लेसमेंट भी आप ऑफ कैंपस जाके ले लेंगे, आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए, तो आई विल रिकमेंड कि आप इस कॉलेज को जा सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कॉलेज लाइफ भी हो, फैकल्टी पढ़ाए भी, अच्छा एनवायरमेंट मिले, प्लेसमेंट भी कॉलेज अच्छी दे, तो मैं इस कॉलेज को इतना रिकमेंड नहीं करूंगी। तो हमने बेसिक सारी चीजें कवर कर ली है इसमें। कॉलेज की एफिलिएशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हॉस्टल और कोलैबोरेशंस, प्लेसमेंट, हमने सब कुछ कवर कर लिया है इसमें। तो अब हम फटाफट से कैंपस टूर कर लेते हैं और देख लेते हैं कैंपस अंदर से दिखने में कैसा है। तो चलो चलते हैं, तो अब कैंपस टूर कर लेते हैं। अब ये जो कॉलेज है ये पिलानी के अंदर है, तो पिलानी इतना कुछ बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, नॉर्मल छोटा सा टाउन टाइप है। अब ये बाहर से तो कैंपस इन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा है, एकदम ग्रीनरी है और पूरा नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा सुंदर सा इन्होंने बाहर से तो बना रखा है। बाहर तो जब मैंने विजिट करा मुझे लगा कि अंदर से काफ़ी अच्छा इन्होंने कैंपस बना रखा होगा। अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको 100% लगेगा कि हाँ अच्छा है, अंदर से अच्छा है, वेल मेंटेन्ड लग रहा है, प्रॉपर बहुत सारे इन्होंने ट्रीज वगैरह लगा रखे हैं, फाउंटेन वगैरह भी लगा हुआ है सामने। तो ये जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ऐसा कुछ है वहाँ पे, यहाँ पे इधर राइट साइड में डायरेक्टर का ऑफिस और ऐसे फैकल्टी के रूम्स वगैरह बना रखे हैं इन्होंने एडमिशन के और फीस डिपॉजिट करने के लिए। ये है इनकी लाइब्रेरी, टोटल 2 लाइब्रेरी है इनके पास। कुछ ईयर्स का हिसाब है कि ये फर्स्ट ईयर की लाइब्रेरी है और ये सेकंड ईयर की लाइब्रेरी है, ऐसी 2 इन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है। पूरे कॉलेज में एसी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, नॉर्मल फ़ैन ही मिलेंगे हर जगह। ज़्यादा कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर हाँ नीट एंड क्लीन मिलेगा आपको पूरा कैंपस। ये हैं इनकी कंप्यूटर लैब्स, कंप्यूटर्स भी ज़्यादा नए तो नहीं हैं, पुराने ही हैं। एसस के लैब पीसी थे जो मुझे थोड़े देखने में पुराने ही लगे। ये है इनका फर्स्ट फ्लोर और ये सामने इनकी क्लासेस और लैब्स वगैरह हैं। इधर सामने की साइड दूसरे ब्लॉक्स भी हैं और बाकी मैनेजमेंट वगैरह का डिपार्टमेंट है। ये है इनका दूसरा कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब्स मुझे सारे ही ऐसे लगे, लैब्स में भी एसी नहीं है, लेकिन कैंपस इन्होंने काफ़ी वेल मेंटेन्ड और ग्रीन कैंपस बना रखा है। यह इनका यूनिवर्सिटी सेल, प्लेसमेंट सेल, इसमें कोई था ही नहीं। ये इन्होंने अपने स्टाफ के लिए ऑफिसेज वगैरह बना रखे हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट। ये है इनका स्टाफ रूम, स्टाफ रूम के अंदर इन्होंने पीसी लगा रखे हैं, लेकिन स्टाफ रूम के अंदर जो पीसी हैं वो लैब के पीसी से मुझे ज़्यादा बेटर लगे। क्या यूज़ है वो तो मेरे को इस रूम का समझ नहीं आया, पर लैब से ज़्यादा बेटर मेरे को इनका स्टाफ रूम लगा। ये
कंप्यूटर साइंस वालों की लैब है अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज, माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की अलग अलग लैब्स इन्होंने बना रखी हैं, अभी आगे आएंगी और तो बताऊंगी। ये इनका ग्राउंड, ये हैं क्लासरूम्स, सारे क्लासरूम्स ऐसे ही हैं नॉर्मल, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा कुछ हाई। ये लैब्स हैं कंप्यूटर साइंस वालों की। अंदर से देखने में तो नॉर्मल कैंपस ही है, बाहर से जितना अच्छा लग रहा था उतना कुछ खास अंदर से मेरे को लगा नहीं। एनालॉग एंड कम्युनिकेशन लैब है ये। ये बाहर हॉस्टल की तरफ जाने वाला रास्ता है। एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी यहाँ पे, इन्होंने एक ओपन थिएटर बना रखा है और ये है कल्चरल सेंटर, अभी आगे आएगा वो ओपन थिएटर, तो वो देखने में अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने बास्केटबॉल के लिए बना रखा है कोर्ट। जो हॉस्टल है वो भी बॉयज़ का और गर्ल्स का दोनों ऑन कैंपस ही मिल जाएगा। ये है वो ओपन थिएटर जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, और ये स्टाफ के क्वार्टर्स और हॉस्टल दोनों साथ साथ ही हैं। ऐसा कुछ ओपन थिएटर ये बना रखा है इन्होंने, फ्रेश एयर में बिल्कुल बाहर, फेस्ट वगैरह और एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे ड्रामास प्लेज वगैरह हो सकते हैं। यहाँ से देखने में तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है कैंपस, पर अंदर जाके मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। ये स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, और ये सामने है बॉयज़ हॉस्टल और इससे पहले है गर्ल्स हॉस्टल। ये यहाँ पे है मेस गर्ल्स की और वो साइड में है हॉस्टल। अभी हॉस्टल का टूर भी दिखाती हूँ। ये यहाँ पे वाटर कूलर लगा रखा है पानी के लिए मेस में, और ये है वार्डन का रूम। ये आ गए हम गर्ल्स हॉस्टल में। वैसे तो एकदम साफ इनका हॉस्टल, इनका पूरा कैंपस ही एकदम साफ था, गंदगी तो आपको नहीं मिलेगी। ये ऐसे इनका हॉस्टल यहाँ से स्टार्ट होता है, रूम टूर भी करवा देते हैं। ये है इनका रूम, इसमें आपको जैसे ये डबल सीटर, इन्होंने दो बेड रख रखे हैं, तो आपको अगर सिंगल करना है तो एक बेड हट जाएगा और एक रख लो। ये विंडो है और एक फ़ैन दे रखा है, और ये दो अलमीरा दे रखी हैं आपको, सिंगल लोगे तो एक अलमीरा और एक फ़ैन और एक बेड हट जाएगा। डबल सीटर भी यही है और सिंगल सीटर भी यही है। कूलर आपको अपना लाना पड़ेगा, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। और लॉन्ड्री जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई और फूड आपके हॉस्टल चार्जेस में इंक्लूडेड है, लॉन्ड्री के लिए अलग से बंदा आता है, वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ये हॉस्टल है अंदर से, मुझे थोड़ा भूतिया बंगले टाइप्स फीलिंग आई, जैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि हॉस्टल का कॉरिडोर है खाली पड़ा है, अचानक से पीछे से आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि रात को यहाँ का जो सीन है बिल्कुल वैसा ही फील आएगा वहाँ पे। वैसे तो देखने में सही है, नीट क्लीन, नीट एंड क्लीन, गंदगी नहीं मिलेगी कहीं, सफाई तो पूरे कैंपस में सही थी। ये है इसकी हॉस्टल की मेस, यहाँ पे कूलर लगे हुए हैं और टेबल एंड चेयर लगी हुई है, यहाँ पे सामने ही खाना बनता है, और ये जो स्लैब है यहाँ पे सर्व कर देते हैं और यहीं से आके बच्चे खाना ले लेते हैं। यहाँ अंदर बनता है और साइड में वॉशिंग का काम चल रहा था। तो ये था हमारा कैंपस टूर। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन जो जो चाहिए थी इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ पार्ट था जो कवर करना रह गया है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
या फिर आपको इस कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप और अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट अ कॉमेंट। आपका कॉमेंट बाकी बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर कुछ करेक्शन हो या कुछ सजेशन हो वो सब आप कॉमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी टेक क्यूरियस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड फॉलो योर ड्रीम्स।